नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा का प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से राहुल सोनकर के मामले में मिला। अविनाश कुशवाहा पूर्व विधायक रॉबर्ट्सगंज ने कहा कि आज सपा के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर छात्र नेता राहुल सोनकर के ऊपर पुलिस ने जिस तरीके से गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है उसको लेकर हम लोगों ने SSP वाराणसी से मिले। SSP ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। गाजीपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर हम लोग यहाँ वाराणसी में SSP साहब से मिलने के लिए आए और यहाँ जो काशी विद्यापीठ के छात्र संघ के जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करके उनको छात्र संघ में जाने से रोकने का काम यहाँ के प्रशासन के लोगों द्वारा किया जा रहा है और उनके ऊपर संगीन धारा मुकदमा जैसे आपराधिक घटनाओं में उनको लिप्त जबरदस्ती लिप्त करने का यहाँ के प्रशासन का जो कृत्य है हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो प्रतिनिधिमंडल बना करके यहाँ भेजने का काम किया है। हम लोग आकर SSP से मिलना है और मिलने के बाद उन अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ कहने का काम किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं न्याय होगा। अविनाश कुशवाहा पूर्व विधायक रावर्जन सोनभद्र सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी। आज किस तरीके का ज्ञापन? देखिए, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे एक कमेटी गठित की गई है जो प्रतिनिधिमंडल जिसमें मैं और हमारे साथी MLC साहिबान आशुतोष सिन्हा जी, लाल बिहारी यादव जी और गाजीपुर से विधायक वीरेंद्र यादव जी और मैं सभी लोग आज उनके निर्देश पे आए हैं। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है लगातार टारगेट करके केवल विपक्ष के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की मदद से फर्जी मुकदमे में रात दिन लगाकर फंसाया जा रहा है और आम जनता भी इससे अछूती नहीं रही। आम जनता के साथ भी इसी तरह दुर्व्यवहार हो रहा है। इस तरह के जो भी मामले आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के लोग जाकर प्रशासन से पुलिस से मिलकर वार्तालाप करते हैं और कि इस तरह की कार्रवाई न की जाए उत्पीड़न वाली। इसी क्रम में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हमारे छात्र नेता राहुल सोनकर जो छात्र राजनीति से हैं, विधि के छात्र हैं और इनके साथ जितने भी अनिल यादव महामंत्री रहे हैं, अभिषेक मिश्रा, संदीप यादव जो भी हमारे छात्र नेता हैं उनको टारगेट करके संबंधित थाने से संबंधित चौकी से चुनाव लड़ने से रोकने का एक खडयंत्र रचा जा रहा है, कुंठित प्रयास किया जा रहा है और उन्हें लगातार फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। जो भी समाजवादी साथी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सच्चाई को उजागर कर रहे हैं या किसानों की बात रख रहे हैं, बेरोजगारों की बात रख रहे हैं तो उनके ऊपर भी द्वेष की भावना से ऐसी कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे छात्र नेताओं को जबरदस्ती फर्जी तरीके से गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, तमाम संगीन धाराएं लगाने का जो प्रयास चल रहा है इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ आए। क्या आश्वासन मिला है आपको? हम लोगों ने अपनी बात रखी है, पुरजोर तरीके से रखी है और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि हमें निष्पक्ष न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो समाजवादी लोग ये लड़ाई आम जनता की, छात्रों की, नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करें।